लोकसभा चुनाव रंगबाणी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम अभी टेहरी लोकसभा क्षेत्र ऋषिकेश और चंबा के नजदीक नरेंद्र नगर के बिल्कुल काफी करीब है जहां पर बकरी वाले मुझे नजर आ रहे हैं और मेरे सहयोगी है बालेश्वर गुप्ता जी और शर्मा जी मेरे साथ हैं। आज दिखाने करेंगे प्रयास, बकरी वालों से पूछते हैं क्या कह रहे हो चुनाव को लेकर के। देखिए बकरी की टोली विशाल टोली है और इसी के साथ बकरी वालों से करते बातचीत। उन्होंने खास तौर उनकी जो जीवन शैली है क्या है उनके दिमाग में चुनाव को लेकर के और थोड़ा दिखाएंगे इस तरफ सामने की तरफ। यह सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाल सिंह रमोला है। रमोला साहब कहाँ के रहने वाले हैं? बीरपुर डुंडा के रहने वाले, यानी टेहरी लोकसभा क्षेत्र है आपका। ये बताइए अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप ये जानते हैं कि आप काम क्या करते हैं? हम ये भेड़पालक। भेड़पालक, आप भेड़ पालते हैं। अच्छा, आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है? हाँ, और यहाँ के जो प्रत्याशी कौन कौन उठे हुए ये जानते हैं आप? हाँ। कौन कौन है? बीजेपी का तो रानी है। रानी है। और कांग्रेस का ये इस साल तक नया नाम बताया, वो महारानी है। रानी नहीं, महारानी है वो। महारानी, राइट। अच्छा, और कांग्रेस के उठे हुए अभी बहरहाल अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ जीतने वाला है या क्या बोलेंगे? जीतने वाला बीजेपी। क्यों? वो तो नरेंद्र, आप तो पहले भी रहिए हो, तो कुछ काम किया है? महारानी से खुश हैं आप या क्या बोलना चाहेंगे आप? खुशी खुशी है बेचारा, जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना नहीं करना। हमने अपना, लेकिन लोग तो ज्यादातर कई जगह नाराज नजर आ रहे हैं कि भैया महारानी जी ने काम नहीं किया, कभी जमीन में नहीं आती है। आपको लून उन मिला है कुछ क्या? ना, कभी अप्लाई किया आपने? आज अप्लाई भी नहीं किया। तो बहरहाल बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं, ये क्या मोदी की वजह से जीत रहे हैं या अपनी वजह से जीत रही हैं? मोदी के वजह से, मोदी के लहर से। तो इनकी यहाँ क्या अच्छा नहीं है, पकड़ नहीं है महारानी जी की? ये तो फील्ड में जाने के बाद ही पता नहीं। आपको क्या लगता है, आप तो चौथी बार जीतने वाली हो, तो तीन बार रह चुकी हैं, तो ऐसा लहर है अभी? चले बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी लहर की वजह से जीत रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है साहब? सोहन लाल जी, क्या बोलेंगे आप? खाना बनाते नजर आ रहे हैं बकरी वालों के, जीवन की शैली की बात करूं तो लकड़ पे खाना बनाते हैं। क्या बोलेंगे आप चुनाव को लेकर के, क्या बोलना चाहते हैं, कौन जीतने वाला है? बस यही मोदी सरकार जीतने वाला है। मोदी। कितनी आपके पास बकरियां हैं? बकरी 200-300 बकरियां हैं। और ये गाय भी आपके साथ है? सबसे बड़ी बात बकरी वालों के साथ जो मुझे गाय नजर आ रही, कितनी गौ माताएं हैं? 6 गौ माता, साथ ही चलती हैं। तो इनका रखने का क्या वजह आपका, ये दिक्कत नहीं करती बकरियों के साथ? ना, ये तो सर्दी को अलग रखते हैं इसको, और साथ ही चलती हैं। तो इनको रखने क्या वजह आपकी? ना, तो ऊपर हम ये दूध भी देती है क्या? दूध देते हैं। अच्छा, दूध आप दूध अपने लिए रखा हुआ? घर परिवार चल। अच्छा, घर तो ये साथ ही ले जाते हैं, मतलब आप चोर पानी में रहते हैं। और शायद इनमें देव भूमि की बात करो, बकरी वाले तो मुझे बहुत नजर आए। कुत्ते कितने आपके पास? और ये देखिये इनके जो खास तौर पर जो इनकी पूरी इन बकरियों की जो भी बकरियां हैं, करोड़ों रुपए का माल होता है इनकी देखरेख में। ये जो कुत्ते मौजूद हैं, 6 कुत्ते, ये देखिए आप। और ये कुत्तों के पर ही पूरा बिजनेस टिका होता है। रात ये रात्रि की जो पहरी और ड्यूटी देते हैं ये देखने लायक होते हैं। देखिए अभी आराम फरमाती हुई नजर आ रहे हैं कुत्ते, और रात भर ड्यूटी देते हैं। सबसे बड़ी बात बकरी वालों के साथ गौ माताएं जो मुझे नजर आ रही हैं, ये बड़ा खूबसूरत दृश्य नजर आए। शायद ऐसा पहली बार देवभूमि में मुझे देखने को मिला जब गौ माताएं बकरियों के साथ नजर आई। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं आप? टोटल 8 आदमी। 8 लोग हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए जो व्यापार है इसमें फायदा होता है क्या इस बिजनेस में? व्यापार क्या, बच्चे आप परिवार पालना है। अच्छा, बताते इसमें करोड़ों रुपए का फायदा है? नहीं, वो ऐसे ही कहते हैं। अच्छा चलिए, डेरे लगा रखा, यहाँ जंगल ही नहीं है, ऊपर ले। अच्छा, जंगल का आप पैसा देते हैं क्या जंगल में? नहीं चलते नहीं, जब आप ठहरते हैं तो पैसा देते हैं? जंगलात की परमिशन भी होती है? परमिट होता है। बताया जाता फॉरेस्ट वाले बहुत तंग करते हैं, वन विभाग वाले ऐसे भी क्या पैसा खाने के बाद फिर घूस भी मांगते हैं, बकरा मांगते हैं? ऐसा नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है सर? ये युवा बहुत नजर आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ के हैं नेगी जी? मोरी ब्लॉक। तो क्या बोलेंगे आप, बकरी काम कब से करते हैं आप? बकरी का काम बचपन से? क्या मजा आता है क्या? पढ़ाई लिखाई की है क्या? किस क्लास तक? 10 तक की है, उसके बाद छोड़ दिया। तो कितने साल से आप इसमें बकरी में? अच्छा, इस व्यापार में है क्या फायदा है? मोरी के रहने वाले, यदि मैं मोरी की बात करूं तो यमुना घाटी में पड़ता है और ज्यादातर लोग वहाँ बकरी पालन भी करते हैं। अच्छी बकरी का ऊन जब निकालते हैं आप, तो काम आती है या छोड़ देते हैं कभी?
बनाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चुनाव को लेकर क्या बोलना चाहते हैं आप तो युवा हैं, कौन जीतने वाला है, कौन बनने वाला, किस किस बनने वाले सरकार? चुनाव से हमें कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं, वोट ही देते आप? जाएंगे भी नहीं? क्यों आपको? अभी तो बीजेपी बोल रही घर घर जगाएंगे, अभियान चल रहा है, नहीं क्यों नहीं जाना चाहते आप? हमको पहले टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा टाइम, वोट के दिन यदि छुट्टी नहीं करना चाहते आप? चलिए कई जगह पर, सबसे बड़ी बात मैं जाने का प्रयास कर रहा था, बकरी का व्यापार करते हैं बहुत मुश्किल होता है बकरी को छोड़ना, और यही कारण है खास तौर पर ऐसी अलग कभी जगेगी। हालांकि मोदी का जो डंक है वो तो सब जगह चल रहा है, फिलहाल जब मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ उनका कहना होता है कि वोट देंगे या नहीं, कुछ लोग ऐसे भी नज़र आए जिनको कोई मतलब नहीं, तो शायद अभियान यदि चले और अभियान चलाने होंगे ताकि लोग इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी कर सकें चुनाव में। और चुनाव रंगवाणी प्रोग्राम में बालेश्वर गुप्ता एंड टीम के साथ महेश बोगुणा, गंगा 24 एक्सप्रेस, उत्तराखंड।